नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। अभी दसवीं के रिजल्ट निकलने के बाद स्टूडेंट्स के दिमाग में यही दुविधा है कि वो अपना सब्जेक्ट कैसे चुने। आज के हमारे इस खास एपिसोड में आचार्य जी बताएंगे कि कैसे आप अपनी दुविधा दूर करके अपना मनचाहा करियर चुन सकते हैं, और साथ ही रोज की तरह आपको बताएंगे आपका आज के दिन का राशिफल। तो फिर शुरू करते हैं आपके सितारे। कैसे पाएं मनचाहा करियर, दसवीं के बाद कैसे चुनें अपना सब्जेक्ट, जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से मनचाहे करियर के अचूक उपाय। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है स्टूडियो में। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल, आज का दिन कैसा रहने वाला है आपका। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अपने खोए हुए आत्मविश्वास को दोबारा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आप अपनी भावी योजनाओं में पूरी तरीके से सफल हो सके। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपको अपने आर्थिक पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपने किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लिया है, भरोसा कर लिया है, तो यकीन मानिए ये जिस भी व्यक्ति पर आपने निर्णय लिया है, आपने विश्वास किया है, आपका निर्णय बिल्कुल सही रहने वाला है। वो व्यक्ति आपको किसी भी परिस्थिति में धोखा नहीं देगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार से अपने उत्साह में कमी मत आने दीजिए। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज का उपाय क्या करें, क्या उन्हें करना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन है अपने मित्रों के बारे में सही सोच रखने का। आज आप कहीं यदि बाहर घूमना फिरना चाहते थे, अपने परिवार या मित्रों के साथ प्लान बनाना चाहते थे, तो ऐसा कोई आप कार्यक्रम, ऐसी कोई योजना बना सकते हैं। इसमें आपको मनोरंजन के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप अपना व्यवहार अपने पार्टनर के साथ बहुत सौम्य रखें, क्योंकि पार्टनर के साथ वाद विवाद और झगड़े की स्थिति संभावित दिखाई देती है। तो जितना अपनी तरफ से आप प्रयास करिए कि ये झगड़ा टाला जा सके, बचाया जा सके, ऐसी परिस्थिति को जन्म लेने ही मत दीजिए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म विद्युत माय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का व्यय करने से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में गृहस्थी से जुड़ी हुई आवश्यक वस्तुओं को खरीदने का दिन आज आपके लिए बहुत अच्छा बनता है। काफी समय से परिवार की जो मांग रही है उसे आज आप अपनी तरफ से पूरा कर सकते हैं। तो परिवार की यानी गृह उपयोगी वस्तुओं को खरीदने के लिए आज आप कुछ समय निकाल सकते हैं, कुछ धन खर्च कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ये समय बहुत ही बहुमूल्य है, इसे यूं ही व्यर्थ मत जाने दीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं कन्या राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कन्या राशि वाले जातक लोगों को कोई बहुत आवश्यक निर्णय आज लेना पड़ सकता है जो आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। तो जो भी आप निर्णय आज की दिनचर्या में करें, बहुत ही सूझबूझ के साथ और चिंतन मनन करके, लोगों से सलाह मशवरा करके ही निर्णय करना चाहिए।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको फायदा कहीं अधिक मिल सकता है। आज की दिनचर्या में आप जो भी निर्णय करते हैं बहुत ज्यादा उत्सुकता अपने किसी भी काम में आप ना दिखाएं। चलिए और राशियों का हाल भी हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई, दीपिका जुड़ गई। दीपिका जी, क्या जानना चाहती हैं आप? दीपिका जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त से जुड़ी है, संगीता। संगीता जी, क्या जानना चाहती हैं, क्या प्रश्न है आपके? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताएं। मेरा जन्म है 16/11/1994। जी। और सुबह 9:30 बजे। जन्म का स्थान बता दे। ऋषिकेश। जी बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि आप अपने करियर के बारे में जानना चाहती हैं। ये समय आपकी कुंडली के हिसाब से शुक्र की महादशा में बुध की अंतरदशा का ये समय है। शुक्र आपके लिए छठे भाव और 11वें भाव का स्वामी है, और बुध देव जो है आपकी कुंडली में वो सप्तम भाव के साथ साथ दशम स्थान के स्वामी है। तो आपकी कुंडली से यही लक्षण मिलता है कि कहीं ना कहीं से आपको डिजाइनिंग, फैशन, मीडिया, यही सारे क्षेत्र बनते हैं। या अगर इसके अलावा कुछ करना चाहते हैं तो कॉमर्स या आर्ट्स की फील्ड है जिसमें आप अपना करियर बहुत खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। अगर आप फैशन डिजाइनिंग पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग पढ़ते हैं, इस तरीके से रिलेटेड कोई अगर आप विषय चुनते हैं तो आपका करियर बहुत खूबसूरत हो सकता है। और चलिए हमारे साथ दीपिका जी जुड़ गए। दीपिका जी, क्या प्रश्न है आपके? नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा प्रश्न है कि मेरी जॉब कब तक मिलेगी मुझे? जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। 10 जुलाई। जी 10 जुलाई 1993। जी 1993 सुबह 6 बजे। जी। और स्थान है झालरा। जी झालरा। जी बिल्कुल, देखिए आपने नौकरी से जुड़ा हुआ प्रश्न किया है। आपकी कुंडली में बुध की महादशा में बुध की ही अंतरदशा चल रही है। बुध जो है 3rd और 12वें भाव का स्वामी है आपकी जन्मपत्रिका में, तो यह संघर्ष की स्थिति को दर्शाता है। इस समय में मेहनत बहुत होगी, प्रयास बहुत होगा, और अगर आपको 6 जून के अंदर अंदर नौकरी मिल गई, यानी इस सप्ताह में अगर आपको कोई शुभ सूचना मिल जाती है तब तो बेहतर है, नहीं तो आपकी कुंडली ये बताती है कि आने वाले 2016 में 12 अप्रैल 2016 के पहले पहले आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। उसमें बहुत ज्यादा विघ्न और संघर्ष की स्थिति रहती है, और अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आप वाकई में अपने करियर के लिए गंभीर हैं, तो इस दशा को देखते हुए मैं आपको कहूंगा कि रोज नित्य प्रति एक पाठ गणेश चालीसा और एक पाठ दुर्गा चालीसा का आप जरूर करें, क्योंकि 6 जून के बाद जो है बुध की अंतरदशा समाप्त होकर के केतु का अंतर शुरू होने जा रहा है। ये आपके लिए और ज्यादा तनाव भरा और ज्यादा परेशानियों भरा समय एक साल का रहने वाला है। तो दीपिका को जरूर लाभ मिलेगा जो तरीके बताए हैं पंडित जी ने। बहरहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, राजवीर जुड़े हैं। राजवीर जी, क्या प्रश्न है आपके? आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965। जी। समय 3:50 AM बीकानेर राजस्थान। ये 16 की रात है, 17 की सुबह। जी बिल्कुल। मेरे कुंडली में शनि है, वो अष्टम भाव में बैठा है, अपने मूल त्रिकोण राशि में, लेकिन वक्री है। अब मार्च में जो शनि की महादशा शुरू होने वाली है वो कैसी रहेगी, किस तरह सुफल रहेगी, किस तरह विपरीत बन देगी, और क्या उपाय करना चाहिए? देखिए शनि की महादशा आपके लिए 21 मार्च 2016 से आरंभ होनी है, और जब भी, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है, अगर शनि जिन भावों का स्वामी होता है और जिन भावों में बैठा होता है उसकी बहुत ज्यादा महत्ता ज्योतिष शास्त्र में बताई है। अब आपकी कुंडली के अनुसार शनि देव जो है वो षष्ठेश और सप्तमेश है, यानी छठे और सातवें भाव के स्वामी है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा अनिष्टकारी स्थिति को उत्पन्न करेगा। ऐसे समय में मैंने अपना अनुभव देखा है, मैंने लोगों को देखा है, बहुत ही संपन्न, बहुत ही धनाढ्य, बहुत ही रईस लोग रहे हैं, बहुत उनके पास जीवन में सुख रहा है, लेकिन जब शनि की इस तरीके की दशा आई है तो उनकी गाड़ियां बिक गईं, घर बिक गए, उनके नाम पर जो भी संपत्ति थी उसको नीलाम करके, उनको अपना जो भी जिम्मेदारी थी, जो भी कर्जे थे उसे चुका करके अपना खर्चा चलाना पड़ा। आज की तारीख में भी वो लोग शनि की दशा में हैं, लेकिन पैदल घूम रहे हैं, उनके पास कहने को कुछ नहीं है, नाम बहुत बड़ा है लेकिन इस समय स्थिति बहुत दयनीय है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, अभी आपने बहुत समय से
बात कर ली है, अच्छा सा आपको मार्गदर्शन कर देता हूँ। इसमें सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि शनि के जो मंत्र संख्या है 1,02,000, उतने वैदिक मंत्रों का जाप करा करके आपको शांति करानी चाहिए। इससे आपको तत्काल प्रभाव से लाभ मिलेगा और नियमित दिनचर्या में हनुमान जी और महादेव शिव की पूजा आराधना करते रहेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ तो राजवीर को जरूर लाभ मिलेगा जो तमाम उपाय बताए गए हैं। ऋचा हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गई हैं। ऋचा जी बताएं अपने प्रश्न और अपना ब्यौरा दें। जी गुरु जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 मई 2001। जी। टाइम है सुबह के 9:30 बजे, खान कानपुर। जी जी, एक तो वो हकलाता है, उसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। और उसकी शनि की दशा शुरू होने वाली है, भविष्य उसका कैसा रहेगा और भविष्य में उसे कौन सी साइड लेनी चाहिए जिसमें वो सफलता प्राप्त कर सके। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक आपने बच्चे के हकलाने की बात कही है तो इसकी कुंडली में वाणी के जो देवता होते हैं वो बुध होते हैं, और अगर कहीं बुध या शुक्र, इन दोनों का संबंध जो है किसी भी व्यक्ति की वाणी से और वाक कला से होता है। बुध और शुक्र की स्थिति जहां कुंडली में खराब होगी तो निश्चित ही व्यक्ति की वाणी पर उसका प्रभाव आने लगेगा, दिखने लगेगा। इस जातक की कुंडली में अगर देखा जाए तो शुक्र जो है वो उच्च अवस्था में है, हालांकि कुमार अवस्था में है, उच्च राशि में बैठे हैं। बुध जो है वो अति मित्र भाव में बैठे हैं, लेकिन शनि के साथ जो संयोग बन रहा है सूर्य का उसी भाव में, एकादश भाव में, क्योंकि एकादश भाव में चार ग्रहों की स्थिति है, बुध, बृहस्पति, शनि और सूर्य। तो ऐसे में शनि और सूर्य का जो संयोग है वह इस जातक की, क्योंकि सूर्य देवता जो है वह वाणी स्थान के स्वामी है, ऐसे में इस बच्चे की वाणी को वो प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम करना चाहिए कि ये जो चार ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, बुध, गुरु, शनि और सूर्य, इनके मंत्रों का जाप करा करके अगर आप शांति कराते हैं तो बच्चे की वाणी में आपको तत्काल प्रभाव से परिवर्तन और लाभ दिखने लगेगा। रही बात इसके करियर की, तो कहीं ना कहीं से तकनीकी शिक्षा का, कोई टेक्निकल पढ़ाई का, अध्ययन का योग इस जातक के लिए बनता है। अगर ये इंजीनियरिंग की फील्ड की तरफ जाता है तो इसको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, करियर बहुत सुंदर बनेगा। चलिए ऋषिकेश से हमारे साथ बबली जुड़ गई हैं। बबली जी क्या जानना चाहती हैं? जी मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ, इस सरकारी जॉब है या नहीं है, इसका करियर कैसा रहेगा। जी बिल्कुल बताइए। इस जन्म 26 अक्टूबर 1998 जी ऋषिकेश, और 5:40 का दिन का या रात का? जी सुबह का। जी बिल्कुल, देखिए आपने सरकारी नौकरी की बात पूछी है तो इस जातक की कुंडली में सरकारी नौकरी के योग तो कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर्स में इनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, और उसके अलावा अगर ये अपना व्यापार भी करते हैं, खासतौर पर किसी द्रव्य से संबंधित करते हैं, अगर ये लिक्विड से संबंधित, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड हो, पीने के पानी से संबंधित हो, दूध से संबंधित या दूध से बने हुए पदार्थों से संबंधित मामला हो, तो इनको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और इस समय में इनको प्रयास करना चाहिए, ये समय इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो शुक्र की दशा है वो इनको इनका करियर स्थापित करने में बहुत अच्छी सहायता कर सकती है। इस समय में ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना इनको करनी चाहिए। और अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दबाने का प्रयत्न कर सकते हैं या अपनी बातों से आपके किसी निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, तो ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज के दिन को अगर आप कहीं निवेश की योजना बना रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके निवेश करना चाहिए, क्योंकि निवेश के लिहाज से आज का दिन बिल्कुल भी ठीक नहीं बनता है। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज किसी भी धार्मिक, सामाजिक नेक कार्य को करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। धन से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय अगर आज आप नहीं करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। आज जितना अधिक हो सके धन के लेन देन से आपको स्वयं दूर रहना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बीजापुर फलाशक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। खराब स्वास्थ्य को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं।
धनुराशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आवश्यकता है कि आप एक समय में एक ही काम करें, एक साथ कई सारी जिम्मेदारियां, कई सारे काम अगर आप अपने ऊपर ले लेंगे तो आपके लिए कठिनाई की स्थिति हो जाएगी। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का, सेहत का विशेष ध्यान भी रखना आपके लिए आवश्यक है। जरा सी लापरवाही, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी लापरवाही आपको लंबे समय तक कोई बड़ी बीमारी झेलने के लिए परेशान कर सकती है, बाधित कर सकती है, तो ऐसे में बचना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। कार्य में आ रही किसी भी प्रकार की रुकावट से, बाधा से आप तनावग्रस्त ना हो। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की, आखिर उनके सितारे आज क्या कह रहे हैं ये भी। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में रिस्क लेने का दिन नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। काम के साथ साथ परिवार को भी समय देने की आवश्यकता है। आज की दिनचर्या में अगर आप परिवार को समय नहीं देंगे तो आपके बीच में और परिवार के बीच में दूरियां बढ़ती जाएंगी, तो इस समय में इस दूरी को कम करने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य में अवरोध आने से मन को निराश आप ना करें। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों की, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातक लोग, आप जिस भी नए कार्य को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, आज की दिनचर्या में ऐसा हो सकता है कि आपका ये प्रयास आपको काफी आगे तक ले जाए, आपको काफी सफलता दिलाए। आज आपको सुझाव ये देता हूं कि किसी भी व्यक्ति के साथ व्यर्थ की बहस में, फिजूल के वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आप अपने जरूरी कामों को भूल करके उनको पूरा नहीं कर पाएंगे और इसी व्यर्थ की बहस में उलझे रहेंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा बना करके मत रखिए। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले जातक आज क्या करें और क्या नहीं। मीन राशि वाले जातक लोग, आज अपने आसपास बड़े बुजुर्गों से जितना अनुभव आपको प्राप्त हो सकता है, उनसे जितना आप सीख सकते हैं आपको सीखने का प्रयास करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में अगर आप अच्छा लाभ और परिणाम चाहते हैं तो आपको अपनी टीम की आवश्यकता पड़ेगी। एक विश्वासपात्र लोगों का संगठन बनाए, टीम बनाए और उसके साथ जुड़ करके काम करें तो फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में रुपए पैसे के लेन देन में आपको सचेत रहना चाहिए, धोखा मिलने के आसार बनते हैं। और चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दसवीं के बाद आपको अपने विषय का यानी अपने सब्जेक्ट का चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए, हाई स्कूल के बाद आप क्या करें और कैसे चुने आप अपना मनचाहा करियर। इस विषय में पिछले कुछ दिनों से लगातार हमने ज्योतिष संबंधी योगों की बात कर ली, आपके किसी मनचाहे विषय में किस प्रकार से आपको सफलता मिल सकती है, कैसे आप उस विषय को चुनकर के अपना करियर और अपना भाग्य बना सकते हैं, इस बारे में हमने आपको ज्योतिष से संबंधित जितनी भी जानकारी हो सकती थी एक लेमैन के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए, वो जानकारियां हमने आपको उपलब्ध कराई हैं। ज्योतिष के योगों के बारे में बताया, ज्योतिष के उपायों के बारे में बताया। आइए अब जानते हैं जीवन की कुछ व्यवहारिक बातें। इसमें ज्योतिष की तो कहीं कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, आपको प्रैक्टिकली किन बातों का ध्यान रखकर के अपने सब्जेक्ट को चुनना चाहिए ये जान लेना भी आवश्यक है। हर विषय में ज्योतिष लगाएं ये जरूरी नहीं है, तो ज्योतिष की जानकारी हमने आपको दी है, उसके साथ साथ अगर आप अपना प्रैक्टिकल ज्ञान भी लगाएंगे, सामान्य जानकारी भी रखेंगे, व्यवहारिक तौर पर अपना सब्जेक्ट चुनेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। यदि आपको अपने सब्जेक्ट को लेकर के मन में कोई बहुत ज्यादा दुविधा है या किसी प्रकार की उलझन है तब आपको इन बातों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। विषय का चयन करते समय अपनी रुचि का विशेष आप ध्यान दीजिए, महज अच्छे स्कोप के चक्कर में पड़ करके आप ऐसा कोई विषय ना चुन बैठे जिसमें आपकी रुचि बिल्कुल भी ना हो। सिर्फ आप स्कोप समझ लें कि इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वो सब्जेक्ट लेना है, ऐसी गलती मत करिए। आपका इंटरेस्ट उस विषय में, उस सब्जेक्ट में जरूर होना चाहिए, तो अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को चुनिए। विषय का चयन, सब्जेक्ट का चयन करते समय अपने पेरेंट्स, अपने टीचर और अपने बड़े बुजुर्गों, जो अनुभवी लोग हैं, उनसे सलाह, उनसे सजेशंस आपको जरूर लेना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से वो गाइड कर सकते हैं, वो हमेशा आपका भला चाहेंगे, वो आपके दुश्मन नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
हर जगह से अलग अलग सलाह मिलने पर आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सबकी सलाह को एक साथ रख करके फिर अपने मम्मी पापा से, अपने पेरेंट्स से और उसके साथ साथ अपनी बुद्धि विवेक से आपको निर्णय करना चाहिए कि आपके लिए कौन सा करियर सही है और आपका इंटरेस्ट किस में बनता है, तब आप सब्जेक्ट चुनेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अगर इसके बावजूद भी आप कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, आप फिर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको करियर काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। आप उनको अपनी हिस्ट्री बताइए कि आपके पुराने मार्क्स कैसे रहे हैं और आप आगे किस तरीके से बढ़ना चाहते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे, गाइड कर पाएंगे। किसी भी विषय को लेने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए कि आपको ट्वेल्थ में क्या करना होगा और उसके बाद ट्वेल्थ के बाद आपके लिए उस विषय में क्या स्कोप बनता है, ये जानकारी कर लें, उससे रिलेटेड अच्छे कॉलेजेस के बारे में पता कर लें, फिर उसके बाद आपको कोई सब्जेक्ट को फाइनल करना चाहिए, ऐसे जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। अपना उद्देश्य निश्चित करें कि भविष्य में आपको क्या बनना है और उसी गोल की ओर आप आगे बढ़ने का प्रयास करें, भेड़ चाल ना करें। अगर आप अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तब उसी से संबंधित विषय का चयन आपको करना चाहिए। अपने दोस्त मित्रों की देखा देखी ना करें कि मेरे फलां दोस्त ने ये सब्जेक्ट लिया है तो मुझे भी यही सब्जेक्ट लेना है, ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। आप जो भी सब्जेक्ट, जो भी विषय लेना चाहते हैं उसके बारे में अपनी ताकत यानी अपनी क्षमता और अपनी कमजोरी और भविष्य की जो संभावनाएं हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं और खतरों के आधार पर अपना आकलन आपको जरूर करना चाहिए। आप कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, ये सोच के आपको आगे बढ़ना चाहिए। अपनी ताकत को बढ़ाएं और अपनी कमजोरियों को कम करने की कोशिश करेंगे तो आपको अपने विषय में, अपने जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। या तो आज में आपने जाना अपनी राशियों का हाल भी जाना, महा उपाय भी जाना। बहरहाल हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद।